ये देखो जी ट्रेन जा रही है, ये जो पॉपुलर लगे हुए हैं इसके पीछे ट्रेन है, उधर है रेलवे क्रॉसिंग। अभी आपको ट्रेन दिखाएंगे हम यहाँ पे, और ये अपना हाईवे चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए ये मेन हाईवे है जो दिल्ली से अमृतसर को गई है, ये लोकल रोड है जो हमारे सेवा को जाता है। और ये बाबा मारकंडे का फ्लाई ओवर आ गया रेलवे वाला, इस तरफ शाहवा से आ रही है सड़क, पानी का बहाव देखो थल्ले वेखिया में लग रहे किश्ती चल बिल्कुल। मालगाड़ी का डिब्बा बैक आ रहा है, देखिए वहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आपको। मालगाड़ी का डिब्बा बैक आते हुए वहाँ से, मालगाड़ी का डिब्बा रह गया था उसको निकाल रहे हैं वो। हाँ अच्छा निकाला है उसको, एक इंजन है और एक मालगाड़ी का डिब्बा है, ये देखिए छोड़ के निकाला था वो, टोचन टूट गया था इसका, डिब्बे का टोचन टूटा है इस पुल के ऊपर, और ये अपना डीजल इंजन आया इसको निकालने के लिए। देखिए इंजन इसको स्टेशन है इधर 1 किलोमीटर पे, वहाँ पे लेके जा रहा है। ये जूम करके दिखा दिया आपको, गया इंजन गया उधर। पब्लिक देखने आ रही है यहाँ पे, नीचे ऐसे यहाँ खड़े होकर नीचे पानी की तरफ देखो तो ऐसा लगता है कि हाँ कि ये किश्ती में खड़े हैं, ये पीछे को जा रहे हैं क्योंकि पानी आगे को जा रहा है, ऐसा लगता है कि हाँ ये न्यूटन थर्ड लॉ है। एवरी मोशन एंड इक्वल एंड अपोज रिएक्शन, यस ये उस चीज़ का माजरा मोमेंटम इसकी रुक जो भी होता है माजरा याद नहीं आई, ठीक है। तो ये पानी नदी का बहाव देखिए कितना तेज है यहाँ पे, बहुत तेज बहाव है। 29 साल उम्र होगी अपनी आज की डेट में, हमें ये आइडिया नहीं है कितने किसी को पानी छोड़ा गया इस नदी में, पर आप देख के लगाए, देखिए वो बाउंड्री है, बाउंड्री के साथ पानी टच है, और इस तरफ आपको दिखाते हैं कहां तक पानी पहुंचता हुआ है। मेन बहाव यहां से है जहां पे पॉपुलर लगा हुआ है, और उधर से भी बहाव है, तो देखिए वो सारे खुल गए हैं। 1 किलोमीटर की नदी है ये पूरी, 1 किलोमीटर से लेके इधर तक लगा लो, मंदिर तक लगा लो आप, सारे में पानी आपको चलता दिखेगा, सारे में पानी चलता दिख रहा है आप। 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही, ज़्यादा ही है 1 किलोमीटर से, मेन बहाव 1 किलोमीटर के अंदर है, नदी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, वो रेलवे का पुल है देख लो आप, जो रेलवे का एक ये पोर्शन है 50 फुट का है, सॉरी 50 मीटर का है, तो आप ये लगा लो गिन के गिनती में कैमरे में कितने हैं वहाँ तक, गिने नहीं जाएंगे पप्पू, गिने नहीं जाएंगे पेड़े आगे 1 किलोमीटर से ज़्यादा। एक्चुअली बात यह है, ये है मारकंडा नदी, बिल्कुल चलती है सिर्फ रेनी सीजन, बरसात के मौसम में चलती है, ठीक है। तो ये इतना हिसाब लगा लीजिए कितनी ही बारिश हो रही है पीछे ये, और यहाँ पे कितनी हो रही है हर गांव, यहाँ जाते जाते 17-18 गांव तो डूब गए हैं बिल्कुल, और यहाँ सुबह यहाँ पुल टूटी है नीचे से, और वहाँ सारे क्रॉस हो गए, ये सारा ही फ्लड एरिया बन गया है नीचे, वहाँ जाने आने का रास्ता सारे ही ब्लॉक्ड है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है सारे एरिया को। हाँ रेड अलर्ट तो इन्होंने परसों से ही कर दिया था, परसों से लेड जिस दिन इन्होंने भागड़ा नंगल का खोला था, फ्लड डैम खोला था उस दिन इन्होंने कर दिया था। पब्लिक बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बच्चे देखने आ रहे हैं, बच्चों को बीच में फेंक दो ये किसी काम के नहीं है, शरारती बच्चे, बच्चों को आना नहीं चाहिए, पेरेंट्स के साथ ही आए, ऐसे मत आए यहाँ पे।